नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, हमारे देश को आजाद हुए 75 सालों से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है और इस बीच में हमारी यह विफलता ही रही कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों की जानकारी पूरी तरह से और अच्छी तरीके से नहीं दे पाए हैं। ऐसे कई सारे वीर महान क्रांतिकारी है जिनकी जानकारी आज की पीढ़ी को है ही नहीं, और उनमें से ही एक ऐसे बड़े महान वीर क्रांतिकारी थे राघोजी भांगरे। जी हाँ दोस्तों, राघोजी भांगरे जिनका जन्म 8 नवंबर 1805 में महाराष्ट्र के एक वीर क्रांतिकारी कोली परिवार में हुआ था। इनके पिता रामजी भांगरे भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन बना के युद्ध किया था। परंतु दोस्तों, इनके पिता रामजी भांगरे को भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी कालापानी सेलुलर जेल में। और दोस्तों, इनकी माता का नाम था रमाबाई भांगरे जो कि एक बड़ी ही बहादुर महिला थी। दोस्तों, राघोजी भांगरे के पिता रामजी भांगरे के पिता वालोजी भांगरे यानी कि राघोजी भांगरे के दादाजी भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने पेशवा के अन्याय के खिलाफ लड़ाई की थी और इन्होंने भी शहीदी प्राप्त की थी। दोस्तों, राघोजी भांगरे को सह्याद्री का शेर भी कहा जाता है या सह्याद्री का वाघ भी कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें आद्य क्रांतिकारी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि हमारे देश की आजादी की क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति के समय हुई थी, परंतु दोस्तों उसके पहले भी ऐसे वीर महान क्रांतिकारी थे जो कि देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसलिए राघोजी का नाम बड़ा ही आदर तथा सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। राघोजी ने बचपन से ही युद्ध कलाओं जैसे कि घुड़सवारी, बंदूक चलाना, तलवार चलाना, पट्टा चलाना जैसी कलाओं में महारत हासिल कर ली थी, और इनका जन्म ऐसे महान वीर क्रांतिकारी परिवार में जब हुआ था तो इनके मन में बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने की भावना थी। और दोस्तों, उस दिशा में यह कार्य भी शुरू कर चुके थे। परंतु इनका नाम ख्याति में तब आता है जब इनके देवगांव का पुलिस पाटिल अमृतराव कुलकर्णी किसी कारण से इन्हें तलब करता है, और राघोजी जब उस चौकी में जाते हैं जिससे अमृतराव कुलकर्णी इनसे पहले से ही इनका विवाद चला आ रहा था, तो जब इस चौकी में वह प्रस्तुत होते हैं तो वह उस चौकी को लूट लेते हैं। वहां से बंदूकें और कारतूस लूटकर अपने बंडकारी संगठन के साथियों में बांट देते हैं। दोस्तों, इनके संगठन में प्रमुख इनके सलाहकार थे देवजी नाना जिन्हें दिव्य आवड़ के नाम से भी जाना जाता था, और इनके प्रमुख अंग रक्षक थे राया ठाकुर। दोस्तों, इस तरह से राघोजी अपने आंदोलन को बढ़ा देते हैं, अपनी क्रांति को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह नहीं किया था बल्कि अन्याय करने वाले साहूकारों के खिलाफ भी विद्रोह किया था। दोस्तों, हुआ क्या था, अंग्रेजों की नीतियों के कारण बेचारे गरीब शेतकरी किसानों को साहूकारों से कर्जा लेना पड़ता था जिसका साहूकार गलत फायदा उठाते थे। तो दोस्तों, जब राघोजी के पास ऐसी शिकायतें आती थी तो राघोजी जमींदारों या इन बुरे साहूकारों को सबक सिखाने के लिए उनके नाक कान काट दिया करते थे। और इसी विद्रोह की भावना इन्होंने अन्य लोगों में भी फैलाई। परंतु दोस्तों, इसी बात इनके कुछ लोगों को खटका करती थी, जैसे कि जिन लोगों को अंग्रेजों से फायदा हुआ करता था, जैसे कि कुछ कुलकर्णी और कुछ साहूकार, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों को इनकी माता का पता बताया, क्योंकि अंग्रेज इन्हें कितना भी प्रयास करके पकड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ के साहूकारों और कुछ कुलकर्णियों ने कि इन अंग्रेजों को कहा कि इनकी माता से आप पूछिए, इनकी माता को पकड़ के ले जाइए और उनसे पूछिए। तो दोस्तों, अंग्रेज इनकी माता रमाबाई को पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डालते हैं तथा वहां पर उन्हें कई तरह की बुरी बुरी प्रताड़नाएं देते हैं। और जब इस बात की खबर राघोजी को लगती है तो राघोजी किसी तूफान की तरह जिन्होंने उनकी माँ के खिलाफ ऐसी हरकत की थी उन पे बरस पड़ते हैं तथा उनको ठीक तरह से सबक सिखाते हैं। तो दोस्तों, अब राघोजी के बहादुरी के किस्से पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगते हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर उस समय सतारा के महाराज प्रताप सिंह भोसले भी इन्हें बुलाते हैं और दोनों के मध्य आपसी सहयोग पर सहमति भी बनती है। अब यह समय था 1844-45 का। दोस्तों, इस समय राघोजी का विद्रोह अपने चरम पर था और अंग्रेज लाख कोशिश कर ले
फिर भी राघव जी को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो इस कारण उन पर वह 5,000 रुपयों का इनाम रखते हैं। दोस्तों आज आपको ये कीमत बड़ी न लगे, परंतु यदि उस जमाने से आज के जमाने में से कन्वर्ट किया जाए तो इसकी कीमत लाखों रुपए में होगी। दोस्तों तो अंग्रेज इतना डर गए थे कि इनके ऊपर लाखों रुपए का इनाम रखा। अब दोस्तों होता क्या है, यह संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चलता ही रहता है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना अपने जुन्नर की लड़ाई की आती है। दोस्तों जुन्नर वही ऐतिहासिक जगह है जहां पे 1600 कोलियों के मुगलों ने शीश काटे थे, जिसके ऊपर मैं अपना पिछला वीडियो बना चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस जुन्नर के ऐतिहासिक किले पर अंग्रेजों तथा राघोजी के मध्य भीषण युद्ध होता है। राघोजी के साथी, इनके बंडकारी साथी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते हैं तथा अंग्रेजों के खून की नदियां बहा देते हैं, और यहां से भी राघोजी सुरक्षित बच निकलते हैं। अब दोस्तों राघोजी अपने संगठन को फिर से एकत्रित करने के लिए, अपने विद्रोह को फिर से बढ़ाने के लिए पंढरपुर में जाते हैं और पंढरपुर के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, परंतु अंग्रेजों के गुप्तचरों को इसकी सूचना लग जाती है। अब दोस्तों आपको पता पड़ा ना, वो 5,000 रुपए का इनाम रखा था, तो उसी के लालच में किसी ने इनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। और जब यह पंढरपुर में जाने वाले होते हैं तब इन्हें एक पुलिस पहचान लेता है, और उस समय राघोजी निहत्ते थे, फिर भी जो पुलिस अधिकारी थे अंग्रेजों के, वह इन्हें पकड़ने में काफी डर रहे थे, क्योंकि इनकी ऐसी वीरता के किस्से पूरे महाराष्ट्र में फैल गए थे कि वहां के पुलिस अधिकारी इन्हें हाथ लगाने से डर रहे थे। फिर वह अन्य पुलिस अधिकारियों को बुलाकर राघोजी को वहां पर पंढरपुर के मंदिर के पास में ही पकड़ लिया जाता है। अब दोस्तों जब राघोजी को पकड़ लिया जाता है तो अंग्रेज इनके ऊपर मुकदमा चलाते हैं, और यहाँ पर भी इनके ऊपर अन्याय जारी रखते हैं। इन्हें अपना मुकदमा लड़ने के लिए एक सरकारी वकील तक मुहैया नहीं कराया जाता है। परिणाम स्वरूप एक तरफा चले इस मुकदमे में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, और उसकी तारीख मुकर्रर की जाती है 13 अप्रैल 1848। परंतु एक चमत्कार के फलस्वरूप जब इन्हें फांसी दी जाने वाली होती है तो वह रस्सी टूट जाती है, और इनकी फांसी आगे 2 मई 1848 के दिन तय होती है, और इस दिन उन्हें ठाणे की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे वीर बहादुर आद्य क्रांतिकारी राघोजी भांगरे। ऐसे और भी कई क्रांतिकारी हैं दोस्तों जिनके किस्से आज तक गाए नहीं गए हैं। इन्हें लोग महाराष्ट्र में तो जानते हैं, परंतु महाराष्ट्र के बाहर इनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही कई सारे मशहूर क्रांतिकारी और उनके किस्से लेकर आएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी के साथ। धन्यवाद।